हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कई तरीके का नाश्ता बनाएंगे, तो चलिए इस बार अलग किस्म का नाश्ता बनाते हैं, अलग तरीके से। चलिए तैयारी करते हैं। तो चलिए बेसन ले लेते हैं, जितना बनाना है उतना बेसन ले लीजिए और इसमें सब मिक्स कीजिए। बारीक कटा हुआ मिर्च ले लीजिए, जितना आपको तीखा पसंद है उतना ही डालिएगा। और मैंने इधर गोभी को, इधर देखिए लहसुन है, लहसुन को ले लीजिए बारीक। गोभी को थोड़ा बारीक काट काट कर इसको थोड़ा उबाल लीजिए, देखिए इस तरह से उबाल लीजिए। बारीक कटा हुआ प्याज ले लीजिए, देखिए प्याज। टमाटर ले लीजिए, हरी धनिया ले लीजिए, स्वादानुसार ये जीरा डालिए जितना डालना है, हल्दी स्वादानुसार, नमक डालिए। और चटपटा मसाला डाल लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा कर पानी डालिएगा, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। तो देखिए कितना अच्छा बैटर बन चुका है। ज़्यादा ना गीला करना है, ना ज़्यादा सूखा ही रहना चाहिए। तो देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। चटपटा वाला मसाला डालिएगा, देखिए कितना देखने में अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो देखिए मैंने तवा रखा है, थोड़ा सा तेल तवा पर लगाइए। चलिए इस पर गिराते हैं बैटर को, गिरा कर कलछुल की सहायता से इसको फैला लीजिए, ये चम्मच से। चम्मच से अच्छी तरह से इसको आप गोले में आकार दे सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो चलिए इसको चम्मच से अच्छी तरह से फैला लेते हैं। ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स, लोग बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसको अब हम लोग अच्छी तरह से फैला लिए हैं, थोड़ी देर के लिए इसको ढक दीजिए। देखिए अच्छी तरह से फैल चुका है। आपको जितना बनाना है इसी तरह से बना लीजिए। चलिए इसको पलटते हैं, देखिए सुनहरी कलर हो चुकी है, कितनी प्यारी दिखने में लग रही है। देखिए इसको दबा दबा कर पका लीजिए अच्छी तरह से, थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए। ढक देने से इसके भाप से थोड़ा ये और अच्छी तरह से पक जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो देखिए अच्छी तरह से पक चुकी है। इसको निकाल लेते हैं, दूसरा बैटर गिराए, दूसरे वाला भी बना लेते हैं। देखिए कितना शानदार लग रही है दिखने में, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगती है। एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए। चलिए इसको भी प्लाट लिया जाता है। बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग ज़रूर एक बार बनाइए।
तो देखिए ये भी पक चुका है। इसको भी पलट कर हम लोग अच्छी तरह से सेक लेते हैं कि ताकि कच्चा ना रहे। धीमी आंच पर अच्छी तरह से सेकना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करना है, मीडियम आंच ही रहेगा तभी अच्छी तरह से पकेगा। कुछ देर के लिए इसको भी ढक देते हैं। तो देखिए कितना लाजवाब लग रहा है दिखने में, बड़ा प्यारा टेस्टी नाश्ता। चलिए इसको भी अच्छी तरह से सेक लेते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से सिक चुका है, बन चुका है हमारा प्यारा टेस्टी नाश्ता। खाने में भी स्वादिष्ट, बनाने में भी जल्दी से फटाक से बन जाता है। चलिए सर्व कीजिए, खाइए खिलाइए। चलिए खाकर देख लेते हैं, देखिए बहुत टेस्टी है, आप लोग ज़रूर बनाइए दोस्तों। तो ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे कोई और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।